सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम खेलने वाले हैं ग्रैनी चैप्टर 2 का एक एस्केप वीडियो। इस वीडियो में होगा एक एस्केप। तो आपको गेस करना है कि मैं कौन सा वाला एस्केप करती हूँ। तो आप देखते रहो ये वीडियो, देन गेस करना, देन कमेंट करना। जिस किसी ने भी सही गेस किया होगा उसका कमेंट को मिलेगा एक हार्ट, एंड नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। तो शाउट आउट पाने के लिए कमेंट करो एंड लाइक करो इस वीडियो को। तो देखते हैं गाइस। वैसे मैं आपको बता दूंगी कि मैं कौन सा वाला एस्केप कर रही हूँ इस गेम में, तो आपको भी पता लग ही जाएगा। बट लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रैनी को पहले किल करके लेते हैं ताकि हम पूरे घर को एक्सप्लोर कर सकें। तो मैं पहले, मेरे पास ये सिक्योरिटी की मेरे को नीचे ही मिली थी, मैंने ग्रैंडपा को पहले ही मार दिया था। तो यहाँ पे देखिए गाइस, हमको स्टन गन मिल चुकी है, तो हमने स्टन गन में मो लोड कर दी है। अब हम बजाएंगे रेडियो, देन ग्रैनी आ जाएगी। तो थोड़ा वेट करते हैं साइड में। अब ग्रैनी का हम वेट करेंगे, जैसे ही ग्रैनी आएगी हम ग्रैनी को किल कर देंगे। तो देखिए गाइस ग्रैनी कब आती है। तो ये रही ग्रैनी, आ चुकी है। 1 2 3 शूट, और ये हो गई ग्रैनी किल। हमने अपनी एमओ फिर से रीलोड कर दी है, और फिर हमने अपनी सिक्योरिटी की ली, और हम बढ़ते हैं सिक्योरिटी रूम की तरफ। बट उससे पहले हम थोड़ा किचन एक्सप्लोर करते हैं ताकि बाद में हमको आना ना पड़े। तो हमको मिल गया एक ग्रो बार, जिससे कि हम खोलेंगे एक बॉक्स। तो चलते इस साइड और खोलते एक बक्सा। गाइस क्रो बार के 3 यूजेस होते हैं इस गेम में। सो फर्स्ट वाला तो मैंने अभी कर लिया है, सेकेंड वाला मैं करूँगी अभी सेकेंड फ्लोर पर, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन सा वाला एस्केप कर रही हूँ। तो मैंने एक हिंट दे दिए गाइस, आप अभी भी कमेंट कर सकते हो कि मैं कौन सा वाला एस्केप कर रही हूँ। तो जल्दी से कमेंट करो। और देखो गाइस, मेरे को कितनी सारी चीज़ें मिली है जो मैंने, है ना, बाथरूम में सारी फेंक दी है। तो बाद में जैसे ही हम ग्रैनी को सेकेंड टाइम किल करेंगे तो हम बाथरूम से सारी चीज़ें ले लेंगे। ओके गाइस, तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे, और फिर हम लेंगे हमारी स्टन गन, और फिर से हम ग्रैनी को किल करेंगे। बट उससे पहले हम पहले सिक्योरिटी की से अपना सिक्योरिटी रूम ओपन कर लेते हैं ताकि हम उसमें छुप सके, या फिर कुछ और भी चीज़ें उस रूम से हमें मिल जाए। तो ये हमने रूम ओपन कर लिया है। पहले हम ये वाला ड्रॉअर जो है वो ओपन करके, तो हमें बोट की मिल चुकी है। तो गाइस हम इस वीडियो में बोट एस्केप नहीं कर रहे, तो बोट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम आ चुके हैं ऊपर, और फिर ऊपर एक और बार एक्सप्लोर करेंगे। वाओ गाइस, हमको मिल चुका है क्या, वेट मैं इसका नेम भूल गई, बट ठीक है। तो ये मिल, या स्टीयरिंग व्हील नहीं, इट्स ओके। तो इस व्हील को हम लगाएंगे नीचे, और फिर हम इससे करेंगे अपना शटर ओपन, जैसे कि हम कर सकते हैं डोर एस्केप। गाइस मैंने बता दिया आपको कि हम कौन सा वाला एस्केप कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं डोर एस्केप। तो पहले हम ग्रैनी को यहाँ पे कॉल आउट कर लेते हैं, देन किल करेंगे। बट आई थिंक ग्रैनी अभी तक जिंदा नहीं हो गई है, तो हम नीचे से ही निकल जाएंगे, क्योंकि अभी तक ग्रैनी को आ जाना चाहिए था यहाँ पर। तो गाइस हम चलते हैं नीचे, हमारी स्टन गन भी नीचे पड़ी हुई है। मैं एक बार फिर से नॉइस क्रिएट करके ग्रैनी को कॉल आउट करती हूँ, बट आई डोंट थिंक सो ग्रैनी अभी आ जाएगी। तो हम ऐसे ही थोड़ा वेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊँगी कि डोर एस्केप के लिए क्या क्या लगता है। तो मैंने की भी नीचे डाल दी है जिससे कि नॉइस क्रिएट हो जाएगा, बट ग्रैनी अभी तक जिंदा नहीं हो गई है, तो वो नहीं आएगी। सो लेट्स गो डाउन देयर, एंड देन डोर एस्केप के लिए हमको चाहिए होता है एक डोर हैंडल, वो एक व्हील, एंड पैडलॉक की, क्रोबार एंड चेन कटर, जिससे कि हम जो करंट होता है ग्रैनी ने लगाया होता है वो हम ऑफ कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो। और गाइस यहाँ पे मेरे से हो गई थी एक मिस्टेक, मैंने वो बाद में आई डोंट नो मैंने वो क्यों किया था, बट मेरा डे 1 वेस्ट हो गया था। तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि मैं उस साइड जा ही नहीं पा रही थी उस लैम के। सो ग्रैनी ने मेरे को किल कर दिया। सो डे 2 स्टार्टेड, एंड अब मैं सेफ खेलूँगी। बाय द वे गाइस, मेरे को ये वाला टास्क डे 1 में कंप्लीट करना था, बट डे 1 में हुआ नहीं, तो हम डे 2 में कर ही लेंगे। अब देखते रहो गेम प्ले, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये गेम प्ले कैसे लग रहा है। तो लास्ट वीडियो में जिन जिन लोगों ने कमेंट किया था, तो मैं उनको शाउट आउट दे देती हूँ। तो मैं शाउट आउट देना चाहूँगी जिया एंड सर्वेश एंड हर्ष को। सो शाउट आउट टू यू जिया एंड हर्ष एंड सर्वेश, जिन लोगों ने लास्ट वीडियो में कमेंट करा था, तो मैंने उनको शाउट आउट दे दिया। अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो प्लीज़ आपका नेम कमेंट करके हमको बता दीजिए ताकि हम आपको शाउट आउट दे सके। अब हम गाइस फिर से ग्रैनी को बुलाते हैं, और ये ग्रैनी आ चुकी है। तो अब हम ग्रैनी को ले जाएंगे ऊपर, और हमारी शॉटगन आई गेस सो ऊपर ही है,
तो हम ऊपर ले जाकर ग्रैनी को फिर से किल करेंगे। थोड़ा सा नॉइस यहाँ से भी क्रिएट कर लेते हैं। और फिर ये रही हमारी शॉटगन, यहाँ पे पड़ी हुई है, तो हम ये लेंगे और ग्रैनी को किल करेंगे। वेट करते हैं, बट लास्ट टाइम के जैसे हम यहाँ पे वेट नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि उतना मज़ा नहीं आ रहा है। तो चलते हैं थोड़ा साइड में और देखते हैं ग्रैनी अभी तक आई है या फिर नहीं। और ये देखो गाइस, ग्रैनी आ चुकी है, तो अब हम ग्रैनी को करेंगे किल। 1, 2, 3, कम हियर ग्रैनी। एंड देन ग्रैनी आ चुकी है और हमने कर दिया ग्रैनी का किल। सो अब हम चलते हैं नीचे, हमको बहुत सारा काम बाकी है गाइस, बहुत कुछ करना है। तो ये क्या था, हैंड व्हील, राइट? सो हमने हैंड व्हील ले लिया है जिससे कि वो शटर ओपन हो जाएगा। तो हम पहले वो लगा लेते हैं, यहाँ से डोर ओपन नहीं करेंगे, कर देते हैं। जब ग्रैनी जिंदा हो जाएगी तो वो खोल के रख देंगे, या फिर हम भी खोल सकते हैं जब हमको ज़रूरत होगी तब। तो हमने डोर कर दिया ओपन, अब हम चलते हैं नीचे। पहले ये वाला काम जल्दी कर निपटा लेते हैं, क्योंकि अगर हमने ये काम ग्रैनी जिंदा होगी तब किया तो ग्रैनी हमको किल कर देगी, क्योंकि इससे बहुत सारे नॉइस क्रिएट हो जाता है और ग्रैनी को पता चल जाता है कि हम नीचे हैं, तो ग्रैनी हम किल करने ज़रूर आएगी। इसलिए ये काम पहले ही कर लेते हैं। अभी हमारे पास बहुत टाइम बचा हुआ है, तो हमने बाथरूम में जो जो सामान रखा था पहले ही फेंक दिया था, तो वो सामान लेके हम एस्केप करने की कोशिश करते हैं। पहले इसको थोड़ा बंद कर लेते हैं ताकि बाद में हमको कुछ ये ना हो प्रॉब्लम। तो देखते हैं हमको क्या क्या मिला है यहाँ पे। और ये रहा हमारा क्रोबार, जिससे कि हम जो वहाँ पे क्या बोलते हैं उनको, वो लगे होते हैं वो रिमूव कर देंगे। ये रहा, जाएंगे नीचे। नीचे एक और बक्सा होता है गाइस, क्रोबार के यही तीन यूजेस होते हैं। फर्स्ट वाला मैंने आपको बता दिया था, सेकेंड हमने अभी किया, और थर्ड तो हमको मिल रहा है कटिंग प्लायर। कटिंग प्लायर्स लेके हम जाएंगे ऊपर, और फिर ऊपर से जो करंट आपको नज़र आ रहा होगा वो हम कर देंगे बंद, ताकि हम जो एस्केप कर सकते कर सकें। ओके, सो यहाँ से हमने ये वायर हटा दी। क्रोबार का नहीं, चेन कटर का एक और यूज़ होता है, मैं आपको बता दूँगी ऊपर। तो पहले हम हमारी स्टन गन लेके ऊपर चलते हैं। आई डोंट थिंक सो ग्रैनी अभी तक जिंदा हो गई होगी, सो हम चलते हैं ऊपर और फिर हम खेलेंगे सेफली, क्योंकि हमको डे वेस्ट नहीं करना है। तो चलते गाइस, अरे यार चलो जल्दी ऊपर। ओके, सो हम अभी जा रहे हैं ऊपर, और फिर हम है ना वो सब ऊपर रखेंगे, और उससे एक सीक्रेट वाला जो रूम होता है वो ओपन करेंगे। वो ओपन करने का एक ट्रिक है, मैं आपको वो भी बता दूंगी जैसे ही हम ऊपर जाएंगे। बट उससे पहले चेक कर लेते हैं कि ग्रैनी यहाँ पर है या फिर नहीं। सो ग्रैनी यहाँ पर नहीं है, और हमने ये पूरा एक्सप्लोर कर लिया था यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो ग्रैनी यहाँ पर नहीं है। तो पहले ग्रैनी को बुला लेते हैं गाइस पियानो बजा कर, ताकि ग्रैनी जैसे ही आ जाए और फिर हम ग्रैनी को किल कर लेंगे। तो हमने बजा दिया है पियानो, ग्रैनी जैसे ही आएगी आई थिंक ग्रैनी हॉल में से आएगी। जी हाँ गाइस, ग्रैनी आ चुकी है, अब हम फर्स्ट लेके करेंगे फॉर थर्ड टाइम। देन उसके बाद हम बेबी स्पाइडर को भी किल कर देंगे, क्योंकि गाइस हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्दी एस्केप कंप्लीट करना है। गाइस अगर आपको कोई चैलेंज देना हो, जैसे कि हमने बहुत सारी चैलेंज ले चुके हैं पहले ही और कंप्लीट भी कर दिए, उन सब की वीडियोस प्लेलिस्ट में आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, या फिर मैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। ठीक है गाइस, तो ये पिक्चर है, बट हम हेलीकॉप्टर एस्केप नहीं कर रहे, तो हमको इस पिक्चर की कोई ज़रूरत नहीं, तो इसे यहाँ पर फेंक देंगे। और फिर हम हमारी स्टन गन लेके बेबी स्पाइडर को किल करेंगे, और फिर वहाँ पे आपको मैं कुछ दिखाऊंगी। वो आती है हर टाइम, तो आप देख लेना। इसका नाम है सेलेंड्रिना, और ये देखो गाइस ऊपर आ चुकी है सेलेंड्रिना। तो ऊपर जाकर ही पता लगेगा, उससे पहले ये वाला रूम थोड़ा एक्सप्लोर कर देते, क्योंकि ये बाकी था हमारा। और मेरे को लगा था कि इसमें हमको डोर हैंडल मिल सकता है या फिर कुछ कुछ तो मिलेगा, स्पार्क प्लग लाइक, बट कुछ मिला नहीं।
सो यहाँ पे मैनुअल बड़ा है, बट हेलीकॉप्टर स्किप तो हम नहीं कर रहे हैं, तो मैनुअल की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर हम चलते हैं यहाँ पे, ये भी मैंने पहले ही एक्सप्लोर कर लिया था। यहाँ पे हमको वेपन की मिली थी, बट मैं फिर से कर रही हूँ, आई डोंट नो वाई। सो हम चलते हैं ऊपर, और फिर बट पहले हम चेक कर लेते हैं कि ग्रैनी यहाँ पर है या नहीं। सो ग्रैनी यहाँ पर नहीं है, तो फिर हम चलेंगे ऊपर। वेट, तो हम पहले हमारी स्टन गन ऊपर जाके रख लेते, देन हम हमारा जो कटिंग प्लायर्स है वो लेने जाएंगे नीचे। बट ग्रैनी अभी तक नहीं आई है, सो चलते हैं, बिल्कुल सेफ है। बट उससे पहले आई डोंट वांट टेक एनी रिस्क, सो मैं पहले चेक कर लेती हूँ कि ग्रैनी है या फिर नहीं है। सो मैंने कंफर्म कर लिया है कि ग्रैनी यहाँ पर नहीं है, तो अब हम नीचे सेफली जा सकते हैं। फिर मैं लूँगी अपना कटिंग प्लायर्स और जाएंगी ऊपर। मैं आपको ट्रिक बता दूंगी, बट पहले ऊपर चलते हैं। तो ग्रैनी, आई थिंक ग्रैनी थी मेरे पीछे, राइट? जी हाँ गाइस, ग्रैनी आपने देखी होगी, मेरे पीछे ही थी। वेट, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो गाइस, अगर हम थोड़ा सा भी लेट हो जाते तो ग्रैनी ने हमको किल करना था, बट हम बच गए, सो हम ग्रैनी को किल करेंगे। इट्स लाइक ओनो रिवर्स। ओके, सो हमने ग्रैनी को किल कर लिया है, तो हम पहले हमारे स्टंट गन को लोड कर लेते हैं। ग्रैनी हट जा, सो ग्रैनी को हमने हटा दिया है, अब हम हमारे स्टंट गन लोड कर लेंगे और फिर चलते हैं ऊपर। और मैं आपको बता देती हूँ कि वो सीक्रेट ट्रिक क्या है। तो हमें आना है इस वाले रूम में, फिर हमें स्टन गन से या फिर शॉर्ट गन से उस रेड वाले बटन को प्रेस करना है, और एम आपका सही होना चाहिए। अगर एम गलत हो गया तो आपकी एमओ वेस्ट हो जाएगी, और फिर आपको शॉर्ट गन लेके उस एमओ को निकालना होगा। बट आई एम अ प्रो प्लेयर, सो मेरा निशाना कभी चूकता नहीं है, सो हो गया है। उसके बाद हमको लेना है कटिंग प्लायर्स, और फिर ये लेकर हमको थोड़ा वो जो चेन से वो खोलने। इसमें गाइस सरप्राइज होते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो गाइस, सरप्राइज इज हियर। जो सिलेंडर ना की टायर है उनको ग्रैनी ने कैद करके मार दिया था, सो उनकी बॉडी वहाँ पर, डेड बॉडी। तो हमें उसे लेने सेफ्टी जो हम लगाएंगे नीचे, फिर उससे लॉकर ओपन होगा। आई होप सो गाइस सेफ्टी से हमको कुछ अच्छी वाली चीज़ मिले, तो जल्दी से चलते हैं, नहीं तो फिर ग्रैनी आ जाएगी और फिर हम लोग किल कर देंगे। तो गाइस देखते हैं क्या मिलता है हमको सेफ वाले लॉकर में। सो हमको मिलते हैं पैडलॉक ही, और पैडलॉक से हम ये वाला लॉक। तो गाइस अभी स्क्रीन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमको डोर हैंडल मिला आगे। तो गाइस डोर हैंडल कहाँ था वो, सब कुछ फिर से एक्सप्लोर करके देखते हैं डोर हैंडल कहाँ पे मिलता है। डोर हैंडल आई थिंक सो ऊपर ही मिलेगा, तो हम चलते हैं ऊपर और फिर देखते हैं कि डोर हैंडल कहाँ पे है। मेरे को लगा कि वो बाथरूम में होगा, सो मैं बाथरूम में चेक करने के लिए आई, बट बाथरूम में नहीं था। सो हमने यहाँ से ली हमारी वेपन की, और फिर वेपन की से हम करेंगे ओपन, और देन स्टन हम लेंगे शॉर्ट गन। बट ग्रैनी देखते हैं पहले आ चुके, आई थिंक ग्रैनी अभी तक जिंदा नहीं है, तो फिर हम ग्रैनी को कॉल आउट करेंगे। बट उससे पहले हम लोड कर लेते हैं हमारी शॉर्ट गन, जिससे कि ग्रैनी जैसी आएगी हम ग्रैनी को सेफली किल कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट करा था, मेरे को पहले ही से निकल जाना चाहिए था क्योंकि ग्रैनी नहीं थी अब वहाँ पे। बट डोंट वरी, आप ये वाले ट्रिक भी कर सकते हो, ये सेफ है। इससे आप ग्रैनी को यहाँ पे कॉल आउट करके, नॉइस क्रिएट करके आप ग्रैनी को किल कर सकते हो। ओह माय गॉड, ये लैग हो गया था गाइस थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, आप देख ही सकते हो गाइस मेरा यहाँ पे थोड़ा मोबाइल हैंग हो गया था, बट नो प्रॉब्लम। अभी जैसे ही स्टार्ट होगा ग्रैनी आएगी, देन हम ग्रैनी को किल करेंगे। जस्ट गाइस वेट करो, और आप कमेंट में ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। गाइस ग्रैनी आ चुकी है, तो डोर हैंडल आई नो कहाँ पे। तो अब हम जाएंगे उस सीक्रेट जगह पे, मैं आपको बता देती हूँ कि वो वाले अभी कैसे करना होता है। आपको बस पुश करना होता है, देन ये कुशंस जो है वो नीचे गिर जाएंगी, देन आप उस सीक्रेट रूम में, आई मीन सीक्रेट जगह पे जा सकते हो। सो यहाँ पे हमको मिल चुका है डोर हैंडल, इसी के साथ हमारा एस्केप हो जाता है कम्प्लीट, क्योंकि हमने ग्रैनी को किल कर दिया था। सो डोंट वरी, ईजी पीजी हमारा ये एस्केप हो गया कम्प्लीट। अब हम जाएंगे नीचे और फिर डोर ओपन करके एस्केप
कंप्लीट। तो गाइस ये एस्केप मैंने विद इन 15 मिनट्स कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड लाइक बटन टू। सो बाय बाय ग्रैनी एंड यू टू गाइस। सो बाय बाय एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दी एंड।